बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के यूपी दौरे का कल आखिरी दिन है। बाराबंकी में पार्टी लीडरान और कारकुनान में जोश भरेंगे ओवैसी। ओवैसी के दौरे को लेकर AIMIM ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। ओवैसी ने अपने 3 रोजा यूपी दौरे की शुरुआत की है। अयोध्या से इसकी शुरुआत हुई थी, आज सुल्तानपुर का दौरा किया और कल बाराबंकी में रहेंगे। 3 दिन के दौरे पर है असदुद्दीन ओवैसी। उत्तर प्रदेश के सियासी दौरे की शुरुआत उन्होंने अयोध्या से की। कल बाराबंकी में लीडरान के अंदर जोश भरने की कोशिश करेंगे और आज सुल्तानपुर का दौरा किया है। यह सियासी दौरा है। 2022 में असेंबली इलेक्शन है उत्तर प्रदेश के अंदर और AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी पार्टी को मजबूत करने की कोशिशों में कवायद में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 3 रोजा दौरे पर है। कैबिनेट की मीटिंग में मरकजी हुकूमत ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी की सदारत में हुई मीटिंग में सरकार ने मार्केटिंग सीजन 2022 और 23 के लिए रबी फसलों का MSP बढ़ाने का फैसला किया। मरकज ने गेहूं, बार्ले, चना, मसूर, सरसों और सेफ फ्लावर का MSP बढ़ा दिया है। सबसे ज्यादा मसूर और सरसों के MSP में बढ़ोतरी हुई है। इसमें 400 रुपए का इजाफा किया गया। इसके बाद चने के MSP में सबसे ज्यादा यानी 130 रुपए की बढ़ोतरी हुई। सेफ फ्लावर का MSP यहाँ 114 रुपए बढ़ा है। वहीं गेहूं और बार्ले का MSP 40 और 35 रुपए बढ़ा है। कि कुछ लोग ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि MSP समाप्त हो जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता है और हमेशा रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है MSP थी, है और रहेगी। और लगातार कृषि सुधार कानून आने के बाद भी MSP की दर बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ रहा है और MSP पर खरीद बढ़ रही है। असम के माजुली में बड़ा नाव हादसा हुआ है। माजुली के पास ब्रह्मपुत्र नदी में 2 नावों में टक्कर हुई है जिसमें 1 नाव डूब गई। हादसे में तकरीबन 60 लोग लापता हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हादसे पर पीएम मोदी ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि नाव सवारों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश जारी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने असम के CM हेमंत बिस्वा सरमा से फोन पर बात करके जानकारी हासिल की। वजीर दाखिला ने हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। असम के CM कल जाय हादसे का दौरा करेंगे। घाट में जो माजुली से जोरहाट आ रहा था, एक बोट और दूसरा बोट का बीच में टक्कर हुआ और उसी में एक बोट कैप्साइज हो गई। बोट में कितना लोग था इनका अनुमान लगाना अभी भी मुश्किल है। हालांकि 42 व्यक्ति अभी हम लोग को मिल गया है कि 42 लोग अपने आप को आइडेंटिफाई किया है। एक महिला माँ का देहांत भी हुआ है। 4 व्यक्ति का मिसिंग रिपोर्ट है अभी तक, लेकिन पूरा मिसिंग रिपोर्ट निकालने में और आने में 2-3 घंटा और वक्त लगेगा। जो बोट कैप्साइज हुआ है उनको हम लोग मिल चुका हूँ, उनका लोकेशन या बोट को हम लोग अभी बरामद कर लिया हूँ। घटना स्थली से 1.5 किलोमीटर आगे, लेकिन बोट को खुलने का कोई उपाय नहीं है। उनको एक प्रकार से वी हैव टू कट द टॉप, तभी बोट का नीचे हम लोग जा पाएगा। उसका व्यवस्था हमारा NDRF और SDRF का लोग अभी कर रहा है। और पीएम मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम के दौरे को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ का दौरा किया है। अपने इस दौरे में सीएम ने पीएम के प्रोग्राम की तैयारियों का जायजा लिया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखेंगे। 2018 में अपने प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को दिया था, जिसके लिए उन्होंने 6 नोड तय किए थे। अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट। तो अलीगढ़ नोड में जो लगभग 200 एकड़ लैंड डिफेंस कॉरिडोर के लिए यहां पर
हम लोगों ने आरक्षित की है उसमें 19 निवेशकों को लगभग 1500 करोड़ रुपए के निवेश से संबंधित भूमि आवंटन की कार्रवाई यहां पर संपन्न होगी, एक भव्य आयोजन होगा। और अलीगढ़ जो अब तक हार्डवेयर के लिए जाना जाता था, अलीगढ़ के ताले दुनिया में मशहूर है, इसको एक नया मंच मिलेगा आगे बढ़ने का। प्रताप सिंह जी जो एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे, उनके नाम पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न होने जा रहा है। यह विश्वविद्यालय अलीगढ़ कमिश्नरी से जुड़े हुए अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा से जुड़े हुए 400 महाविद्यालयों के एफिलिएशन का भी विश्वविद्यालय होगा। अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी में 2022 इलेक्शन के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी को लेकर बीजेपी ने इलेक्शन इंचार्ज और को इंचार्ज की फहरिस्त जारी कर दी है। 2022 में यूपी में होने वाले असेंबली इलेक्शन का जिम्मा मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान को सौंपा गया है। धर्मेंद्र प्रधान के साथ मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल और सरोज पांडे को इंचार्ज बनाया गया है, जबकि प्रहलाद जोशी को उत्तराखंड का इलेक्शन इंचार्ज बनाया गया। जिसके बाद जी मीडिया की टीम से मरकजी वजीर ममलिकत अर्जुन मेघवाल ने खास बातचीत की। वहीं यूपी इलेक्शन के लिए बनाई गई को इंचार्ज सरोज पांडे ने कहा कि दोबारा कमल खिलेगा और मुकम्मल अक्सरियत से दोबारा बीजेपी की हुकूमत बनेगी। लखनऊ में बीएसपी ने कोऑर्डिनेटर और जिला सदूर की मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में इंतखाबी हिकमत अमली पर चर्चा हुई। इसके साथ ही इंतखाब के मद्देनजर पार्टी को बूथ लेवल पर मजबूत करने पर बात हुई। इसके अलावा 9 अक्टूबर को होने वाले प्रोग्राम के बारे में अहकाम जारी किए गए। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो ने आज एक अहम बैठक पार्टी कार्यालय में की। बैठक खत्म हो गई है, तमाम अधिकारी जो है वो बाहर निकले हैं। पदाधिकारी बताइए कि क्या कुछ बैठक में निर्देश दिए हैं बहन जी ने, क्या कुछ आप लोग को जो है जमीनी स्तर पर काम करना होगा? देखिए, संगठन के बारे में आदरणीय बहन जी ने निर्देश दिए हैं। हमारी बूथ कमेटी का संगठन पूरी तरीके से तैयार हो गया है, उसे कम्प्लीट करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ 9 तारीख को जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम जी की पुण्यतिथि है, उसमें हम लोग पहुंचने के लिए। अच्छा, ये भी कल मायावती जी ने कहा था कि लखनऊ में ही एक बड़ा कार्यक्रम होगा, बाकी मंडल स्तर पर नहीं होगा, तो तमाम मंडलों को ये भी निर्देश दिए हैं कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आए। बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं जो मंडलों पर माननीय काशीराम जी की पुण्यतिथि मनाते थे, उन लोगों को कहा है कि अब आप लोग लखनऊ। अच्छा, उम्मीदवारों को लेकर भी कुछ कहा है कि आप लोग अपने बढ़िया? कुछ नहीं। और देखिए, ये तमाम जो बसपा के अधिकारी हैं वो बैठक से बाहर निकल चुके हैं और बैठक में ये तय हुआ है कि 9 तारीख को, चूंकि लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम होना है 9 अक्टूबर में को, तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो लखनऊ में आकर इस कार्यक्रम में शिरकत करें। इसके साथ साथ तमाम पदाधिकारियों को ये निर्देश दिए कि बूथ स्तर पर कैसे मजबूत होना है। फिलहाल कहा जा सकता है कि 2022 के मिशन में बसपा पूरी तरह से जुट चुकी है और इसी को लेकर मायावती लगातार लखनऊ में रहकर बैठक कर रही हैं। कैमरामैन देशा सिंह के साथ विशाल लघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। बीएसपी सदर मायावती मिशन 2022 के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। मिशन 2022 के मद्देनजर उसको रखते हुए आज उन्होंने पार्टी अहदेदारान और लीडरान के साथ मीटिंग की। इसको लेकर कैबिनेट वजीर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मायावती का वक्त पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जी मीडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि वो कितनी भी मीटिंग या सेमिनार कर लें, यूपी के आवाम इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने कमर कस ली है। मायावती अब अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं। मौर्य जी, विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती जी ने अब कमर कस ली है, अब बैठकों का दौर जारी हो चुका है, फॉर्मूला क्या कुछ देने वाली है वो? बहुजन समाज पार्टी का जनाधार खत्म हो गया। आज
दलित भी अपने को ठगा महसूस कर रहा है और पिछड़ा भी महसूस कर रहा है। वही कारण है कि आज दलित और पिछड़े दोनों बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। ऐसी हालात में सुश्री मायावती जी का किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम केवल दिखावा है, छलावा है, नौटंकी है। इनकी किसी भी झांसे में ना अब दलित आने वाला है, ना पिछड़ा आने वाला है। और यही कारण है कि जब दलितों और पिछड़ों ने इनका साथ छोड़ा तो चार बार सरकार बनाने वाली सुश्री मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी का जनाधार घट करके 19 विधायक पर आ गया। अब कोई भी सम्मेलन मायावती जी करें, किसी भी रूप में करें, बहुजन समाज के लोग जो दलित और पिछड़ी जो ताकत थी वो इनकी सारी की सारी तिकड़म को समझ गया है। इनके किसी भी झांसे में आने वाला नहीं है। और वही ढाक के तीन पात ये बार बार हजार बार सम्मेलन करें लेकिन इनका ग्राफ जो खत्म हो गया है अब पुनः वापस होने वाला नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इकबाल सिंह बने हैं कौमी अकलेती कमीशन के चेयरमैन। बीजेपी लीडर और साबिक IPS अफसर थे इकबाल सिंह। गयूर उल हसन रिजवी की मुद्दत कार पूरी होने के बाद से खाली था ओहदा। एक रुकन के भरोसे ये पूरा कमीशन चल रहा था। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। तो इकबाल सिंह बने हैं कौमी अकलेती कमीशन के चेयरमैन। बीजेपी लीडर और साबिक IPS अफसर हैं इकबाल सिंह। गैरुल हसन रिजवी की मुद्दतकार पूरी होने के बाद से ये ओहदा खाली था। शोएब रजा हमारे नुमाइंदे फोनलाइन पर मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। शोएब, कैसे देखें, क्योंकि यहाँ अब इकबाल सिंह जो है वो कौमी अकलेती कमीशन के चेयरमैन बन गए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो ओहदा है वो लंबे वक्त से खाली था शबनम, और लगातार इसकी मांग हो रही थी क्योंकि मुल्क भर से कई बार इस तरह के वाकयात भी सामने आए जब हालांकि कमीशन की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत थी। वाइस चेयरमैन के तौर पर सिर्फ एक पूरे जो अगर कमीशन की बात करें तो सिर्फ एक मेंबर के सहारे पूरा कमीशन चल रहा था। एक ही रुकन थे और उनको ही वाइस प्रेसिडेंट बनाया हुआ था आतिफ रशीद। अब चेयरमैन मिल गए हैं और दूसरे जो मेंबर्स हैं उनका भी जल्दी उनकी नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन आप देखिए शबनम, जो अगर इकबाल सिंह लालपुरा की बात की जाए तो ये इतिहासकार भी है, लेखक है और बीजेपी से लंबे वक्त से जुड़े हैं। बीजेपी के नेशनल स्पोकर्सन भी रहे, इनको बनाया गया था, यानी कि राष्ट्रीय प्रवक्ता इकबाल सिंह लालपुरा को बनाया गया था, जेपी नड्डा ने अपनी टीम में शामिल किया था। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो पंजाब में जिस तरह के हालात है बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुफीद नहीं है, पार्टी इस बात को जानती है, तो एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई है। एक और जो रोचक तथ्य है शबनम कि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन के तौर पर अब तक हम देखें एक जो तारीख रही 1992 के बाद से अब तक तो मुस्लिम चेहरे ही अक्सर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरमैन के तौर पर सामने आते रहे हैं। लेकिन अभी सरकार ने ये सिख जो चेहरा है उसकी नियुक्ति की है, तो इस तरह से भी एक मैसेज देने की पंजाब के लोगों को शायद सरकार की तरफ से कोशिश की गई है। तो एक संवैधानिक पद होता है और जो अकलैती तबके के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उसकी हिफाजत करने के लिए अधिकारों को बनाया गया है कमीशन। तो अब क्योंकि नए चेयरमैन बने हैं तो उम्मीद करनी चाहिए कि बेहतर तरीके से काम होगा, क्योंकि लंबे वक्त से ये ओहदे खाली चल रहे थे और कोर्ट ने भी सरकार से कहा था कि 30 सितंबर से पहले पहले नियुक्ति तमाम पदों की यहाँ पर की जाए। शबनम, एक दूसरा पहलू भी समझना चाहेंगे, इकबाल सिंह कौमी अकलेती कमीशन के चेयरमैन बने हैं, पंजाब से इनका ताल्लुक है, तो क्या ये समझा जाए कि बीजेपी के जरिए पंजाब को साधने की कोशिश है, क्योंकि इलेक्शन है 2022 में? देखिए इलेक्शन भी है और जो किसानों की नाराजगी है सबसे ज्यादा वो आपको पूरे पंजाब में नजर आएगी, तो उस तरह से भी शायद एक मैसेज देने की कोशिश है। और जो बीजेपी के कई जो नेता हैं उन्होंने ट्वीट करके भी बधाई दी है, और उसमें जो हमें नजर आ रहा है बधाई देने में वो इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि पंजाब के सिख बेटे लेखक इतिहासकार सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को कौमी अकलेती कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है, जिस बात को दिखाता है कि किस तरह से सरकार
पंजाब को लेकर, वहां के लोगों को लेकर बहुत ज्यादा एक तरीके संजीदा है, उनकी तरक्की को लेकर संजीदा है। तो ये तमाम जो चीजें हैं इसको इस नजरिए से भी देखा जा रहा है। लेकिन क्योंकि संवैधानिक पद है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ शबनम, तो जिम्मेदारी है अकलियतों के हुकूक की हिफाजत करने की, और उस दिशा में यकीनन काम किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुएब आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार के आउटरीच मुहिम की शुरुआत 9 सितंबर यानी कल से हो रही है। पहले फेज में आने वाले मरकजी वुजरा की तादाद अब 20 से बढ़कर 28 हो गई है। मरकजी हुकूमत ने 8 और वुजरा के जम्मू कश्मीर में आने के लिए ड्यूटी लगा दी है। ऐसे में होम मिनिस्ट्री ने जम्मू कश्मीर में पहले मरहले में आने वाले वुजरा की तमीमी फहरिस्त जारी कर दी है। अगले कुछ दिनों में दूसरे मरहले में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में आने वाले वुजरा की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। मंगल को जारी नए शेड्यूल के तहत विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर स्मृति ईरानी 21 से 22 सितंबर को कश्मीर के बड़गाम जिले के दौरे पर रहेंगी। हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे 23 से 24 सितंबर तक कछुआ जिले का दौरा करेंगे। तो वहीं मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार 4 से 5 अक्टूबर तक सांबा जिले के दौरे पर रहेंगे। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा 16 से 17 सितंबर तक बांदीपुर जिले में रहेंगे। इसके साथ ही वजीर ममलिकत बराए दाखला नित्यानंद राय 24 से 25 सितंबर तक बड़गांव, मरकजी वजीर बुद्धेश्वर टुडू 25 से 27 सितंबर तक किश्तवाड़, वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक श्रीनगर में रहेंगे। वहीं मरकजी वजीर फग्गन सिंह कुलस्ते 2 से 3 अक्टूबर तक कुपवाड़ा जिले के दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी कल से 2 रोजा दौरे पर जम्मू आ रही हैं। उनके इस्तकबाल के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इस हवाले से पार्टी कारकुनान में खासा जोशो खरोश पाया जा रहा है। पार्टी तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने उनके प्रोग्राम की जानकारी देते हुए बताया कि राहुल जुमेरात को तकरीबन 12 बजे जम्मू एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद राहुल गांधी माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा रवाना हो जाएंगे। दर्शन के बाद राहुल गांधी कटरा से पैदल माता के दरबार तक जाएंगे। रात में उनका क्याम भी वहीं पर होगा। इस दौरान वो शाम की आरती में भी शामिल होंगे। 10 तारीख को राहुल गांधी जम्मू पहुंचेंगे, जहां वो पार्टी लीडरान के साथ आम लोगों से भी मुलाकात करेंगे। पार्टी जराये के मुताबिक पार्टी कारकुनान से असेंबली इंतखाबात की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। वाजे हो कि गुज़िश्ता माह राहुल गांधी कश्मीर के भी दौरे पर गए थे। देखिए, राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पे आना चाहते थे, लेकिन 6 दिन 7 दिन के लिए नहीं हो सकता था, पार्लियामेंट सेशन था, इसलिए कश्मीर में वो आए। उन्होंने माता खीर भवानी हजरतबाद श्राइन भी किया, दफ्तर का उद्घाटन किया, कार्यकर्ताओं से मिले और कहा कि मैं अब जम्मू आऊँगा और लद्दाख भी जाऊँगा। इसलिए ये उसी दौरे की कड़ी का एक सिलसिला है और लद्दाख भी जाएँगे। यहाँ के ज़मीन की हकीकत और हालात को जानने के लिए आ रहे हैं। बेंगलोर के करीब कोलार शहर के यूसुफ नामी एक शख्स ने पूरे शहर के बच्चों को स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया। गुर्बत की वजह से बचपन में तालीम हासिल नहीं कर पाने वाले इस शख्स की दरिया दिली की सभी लोग तारीफ कर रही हैं। देखिए खास रिपोर्ट। कोलार के केजीएफ में पैदा होने वाले यूसुफ उर्फ बाबू बचपन में गरीबी की वजह से तालीम हासिल नहीं कर सके। हालांकि आगे जाकर बाबू एक कामयाब ताजिर बन गए और उन्होंने कोलार शहर के तमाम तलबा और तालिबात को स्कूल कॉलेज की फीस देने का ऐलान किया है। इसके अलावा उन्होंने शहर के तमाम सरकारी स्कूल के 1000 बच्चों को स्कॉलरशिप देकर इस मुहिम का इफ्तिताह किया। मेरे को शान है, ये मिट्टी से पैदा हुआ, ये बड़ा आदमी हुआ। कोलार में अभी कोरोना की वजह से बहुत तकलीफ में है लोग, इसके लिए थोड़ा इनकी मदद करेंगे करके जो मैं ये डिसीजन लेके यहाँ पे आया हूँ। और ये कोलार मैं दूसरा कोई आस रख के यहाँ पे नहीं आया हूँ कि मैं MLA बनना है, कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है या MP बनना है, क्या ये करना है, सियासत करना है करके मैं आया नहीं हूँ। मैं आया हूँ मेरे भाइयों को, मेरे गरीब भाइयों को मदद करने के लिए मैं आया हूँ। जो हाथ से मेरा हाथ से होता है वो मदद करने के लिए आया हूँ, और कोई दूसरा मंसूबा रख के मैं यहाँ पे आया नहीं हूँ। आज उनको उनके दिल में क्या है कहते हो, मैं ही नहीं पढ़िया, मेरे से हेल्प कर को गरीब बच्चे पढ़ को आगे बढ़े कहते हो मंजर खुशी। उन्होंने एक चार जन को पढ़ाने वाले
हेल्प करने वाले, सपोर्ट करने वाले बनते सर को बहुत खुशी है। और पूरे कोलार में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको हेल्प कर रही हूँ, सबको पढ़ाई के वास्ते स्कॉलरशिप दे रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। कोरोना की वजह से गरीब खानदानों में माली परेशानी चल रही है, ऐसे में बच्चों की फीस मिलने पर उनके चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। थैंकफुल तो बाबू सर भानुप्रिया जो स्कॉलरशिप दिया फीस के लिए, उन्होंने कहा है कि आगे भी स्कॉलरशिप देंगे, हमें बहुत खुशी और शुक्रिया। बाबू ने कोलार के 20,000 बच्चों की फेहरिस्त बना ली है जिन्हें स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। ये स्कॉलरशिप स्कूल और कॉलेज की फीस के लिए दी जा रही है। उस वक्त के हालात की वजह से वे खुद तो तालीम हासिल नहीं कर सके, इसलिए अपने पूरे शहर के बच्चों को तालीम फराहम कराने की कोशिश कर रहे हैं। कोलार से शाहिद काजी की रिपोर्ट। करनाल में किसानों की महापंचायत जारी है, कई दौर की बातचीत के बाद भी बात बनती नहीं दिख रही है। इसी को लेकर किसानों ने पक्का मोर्चा लगा दिया है। एक तरफ किसान अपनी मांगों पर अड़ गए हैं तो दूसरी तरफ सरकार मांगों पर गौर करने का भरोसा दे रही है। वहीं अपोजिशन सरकार को करनाल लाठीचार्ज के मुद्दे पर किसानों का टकराव रोकने की सलाह दे रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर किसानों की मांगों पर सरकार का साफ रुख क्या है। देखिए खास रिपोर्ट। ये तस्वीर सिंघू बॉर्डर की नहीं बल्कि करनाल मिनी सेक्रेटेरिएट के पास की है। करनाल लाठीचार्ज के मुद्दे पर किसान तंजीमों और इंतजामिया के बीच बातचीत का दौर लंबा खींचा तो किसानों ने पक्का मोर्चा लगा दिया। किसानों की मांग है कि लाठीचार्ज में मारे गए किसान के बेटे को सरकारी नौकरी मिले, कुनबे को मुआवजा मिले और SDM पर कत्ल का केस चले। रात में हमारे से कोई बातचीत नहीं हुई है और कल दिन में बात हुई थी, उसमें सरकार ने कुछ माना। साडा कहना यह है भी जिन्ना गुना असी किता सी रोड रोकिया उन्होंने मुकदमे दर्ज किए, जेड़ा उन्होंने गुना किया वो मुकदमे उन्होंने दर्ज कर दो। जे कि संविधान च सिर पाड़ना लिखा है फिर आप अपनी मंग वापस ले लें। ये धरना जोड़ा है उदों तक चलेगा जदों तक साड़ी गल नहीं मनी जाती, भावें किन्ना ही टाइम लगे इन्होंने घराव जारी रहेगा। अब पता नहीं भाई कब तक चलेगा मोर्चा, अभी संयुक्त मोर्चा इसमें तय करेगा कि आगे हमको क्या करना है, तो वही इसमें डिसीजन देगा। करनाल लाठीचार्ज मामले में SDM के खिलाफ कार्रवाई के मुद्दे पर सरकार साफ इनकार कर चुकी है। वजीर दाखला अनिल विज ने दो टूक कहा है कि आंदोलन में कई मांगे की जाती हैं, क्या करना है क्या नहीं इस पर गौर करेंगे। तो अपोजिशन के लीडर भूपेंद्र हुड्डा सरकार को मामले में जुडिशियल इंक्वायरी के ऑर्डर देकर टकराव रोकने की नसीहत दे रहे हैं। आंदोलनों में तो बहुत सारी मांगे की जाती हैं, अब वो क्या करना है क्या नहीं करना वो हम सोचेंगे। अगर हमारी बात मान लेती है सरकार, जुडिशियल इंक्वायरी कर देते तो कोई बात ही नहीं थी, दूध का दूध पानी का हो जाता, जो भी कसूरवार है उसको सजा मिल जाती। बाकी टकराव के मैं हक बनी हूँ, टकराव से फायदा लाभ किसी को नहीं होने वाला, ना किसानों को ना सरकार को। सरकार को भी मैं कह रहा हूँ टकराव की स्थिति ना आने दें। करनाल लाठीचार्ज के मुद्दे पर सरकार और किसान आमने सामने हैं। इंतजामिया बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में जुटा है, लेकिन किसान लीडरान के तल्ख तेवर बता रहे हैं कि बातचीत से हल आसान नहीं है। ऐसे में सवाल है कि क्या किसानों की मांग को देखते हुए सरकार के रुख में कोई बदलाव आएगा, क्या बातचीत से बिगड़ी बात बनेगी या टकराव और बढ़ेगा। जी मीडिया के लिए विनोद लामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को अहमद मसूद की नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट ने तालिबान की नई सरकार को गैरकानूनी करार दिया था। इसके साथ ही दुनिया भर के ममालिक से तालिबान सरकार को मंजूरी नहीं देने की अपील भी की है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को 22 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और इस वक्त में तालिबान ने यह साबित कर दिया है कि वो ताकतवर दहशतगर्दाना सरकार बनाने में कामयाब हो चुका है। बेशक पंजशीर पर तालिबान ने खून की नदियां बहाकर
अपना कंट्रोल कर लिया हो, लेकिन ये भी सच है कि नॉर्दर्न अलायंस और NRF की फौजें अभी भी तालिबान को कड़ी टक्कर दे रही है। अहमद मसूद की नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने तालिबान की नई सरकार को गैर कानूनी करार दिया है। अहमद मसूद ने अफगानिस्तान के लोगों से अपील की है कि वो तालिबान और उसके दहशतगर्द दोस्त पाकिस्तान के खिलाफ जंग जारी रखें।